नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आज हम कॉमर्स अवेयरनेस इंटरव्यू के इस सेशन में बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर जीएस ग्रेवाल सर से। सर एक महान शिक्षाविद है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकाउंटेंसी की पुस्तकों के एक रेपुटेड लेखक है और सर सीबीएसई, एनसीईआरटी और आईसीआई की विभिन्न कमेटियों के भी सक्रिय सदस्य हैं। आज आदरणीय ग्रेवाल सर से हम ये जानेंगे कि कॉमर्स में विद्यार्थियों के लिए क्या-क्या स्कोप है, क्या-क्या करियर ऑप्शन है। सर आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सर सर आज आपसे जो शुक्रिया सवाल अनिल पूछे जी। जा रहे हैं सर, सर वो हमने गूगल हाँ जी फॉर्म जो है सर, उस पर हमने बच्चों से और हाँ टीचर जी से ये सवाल मंगाए गए हैं और सर ये बच्चे और हाँ टीचर्स ही जी आपसे इन सवालों का जवाब जानना चाह रहे हैं सर। तो सर मेरी आपसे हाँ जी रिक्वेस्ट है सर, सर आप हमें ये बताइएगा कि एक विद्यार्थी जिसने 12th कॉमर्स से भी पास आउट किया है और उसका अकाउंटेंसी में सर बहुत इंटरेस्ट है, तो सर वो अकाउंटेंसी में क्या क्या आगे कैरियर बना सकता है सर? शुक्रिया अनिल जी मुझे इस थैंक यू सर। कार्यक्रम में आमंत्रित करने का और मुझे अवसर देने का कि मैं टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ मैं बातचीत कर सकूं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि कोई भी एक्टिविटी है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड है, चाहे वो एनपीओ रिलेटेड है, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड है, कोई भी एक्टिविटी है, उन सब के पीछे कॉमर्स है। क्योंकि हर हर चीज के लिए बजट बनता है, हर चीज की अकाउंटिंग होती है, हर हर चीज के लिए लीगल प्रोविजंस हैं। ये सारे के सारे कॉमर्स रिलेटेड हैं। और मैं कहूंगा कि कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जो एवरग्रीन रहेगी। कोविड में बिजनेस नीचे चले गए तो उसके दौरान ऑब्वियसली सारी स्ट्रीम्स नीचे चली गई, इंक्लूडिंग कॉमर्स। पर अब वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ रेट रखी है 7.3% जीडीपी। तो 7.3% जीडीपी से जब ग्रोथ होगी तो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेंगी, रिसर्च एक्टिविटीज बढ़ेंगी, साइंटिफिक और एक्टिविटीज बढ़ेंगी, जिसकी मतलब है कि कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये मेरे हिसाब से ये एक एवरग्रीन फील्ड है, स्ट्रीम है इसमें जाने के लिए। अब आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन कि विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं पास किया उनके लिए क्या स्कोप है आगे अकाउंटेंसी में, एक बहुत बड़ा स्कोप है। अकाउंट बी 12th पास करने के बाद वो ग्रेजुएशन करें, जरूर करें। क्योंकि ग्रेजुएशन में क्यों कहता हूं जरूर करें, कॉमर्स में ही करें, क्योंकि जब वो अभी तक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहे हैं, माता पिता की छत्र छाया में, टीचर्स की, जब वो घर से बाहर निकलेंगे, कॉलेज जाएंगे, तो उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग आएगी। जब इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग आएगी तो उनमें मेच्योरिटी बढ़ेगी। और बी कॉम करने के बाद उनके पास बहुत सारे एरियाज ओपन हो जाते हैं, जैसे कि अगर उनका खुद का बिजनेस है तो उसमें अकाउंटिंग चाहिए, उनको कॉमर्स चाहिए, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ रहे हैं, तो खुद के घर के बिजनेस को भी आगे बढ़ाने के लिए, जब तक हमारे कॉमर्स स्ट्रांग नहीं होगी हमारी अपनी, तब तक बिजनेस को भी आगे बढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। नामुमकिन नहीं है पर थोड़ा डिफिकल्ट जरूर रहेगा। तो इसमें आप बच्चों को, मैं स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि 12वीं जिन्होंने पास की है वो बीकॉम के लिए जाएं। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट है, जुलाई में ही होगा, उसके थ्रू वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। और जब अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो वहीं से, जैसे मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का बोलूं, तो बीकॉम करते करते ही बहुत सारे बिजनेस हाउसेज उनको वहीं से ले जाते हैं अपने ऑफिस में, वहां पर उनको रिक्रूट कर लेते हैं बिजनेस हाउसेज, प्रोफेशनल फर्म्स। आपने सुना होगा बिग फाइव जो हैं, अर्नस्ट या अर्नस्ट एंड यंग, डेलॉयट्स, ये सारे अच्छे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को पिक करके वहीं से ले जाते हैं जॉब में। और स्टार्टिंग जॉब अनिल जी मैं कहूंगा कि जब वो देते हैं बीकॉम के बाद, उनको पैकेज मिल जाता है 5 से 6 लाख रुपए का, जो कि एक ग्रेजुएट के लिए अच्छा है। और वहां जाके उसको फिर फर्दर भी पढ़ाई करनी पड़ती है अपने आप को ग्रो कराने के लिए। देखिए मेरे हिसाब से हर प्रोफेशन में
तीन तरीके के प्रोफेशंस होते हैं, एक एवरेज, एक पुअर और एक बहुत अच्छे। तो हमें हमेशा ये एस्पायर करना चाहिए कि हमें बहुत अच्छे वाले कैटेगरी में आना है, जिससे कि हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती रहे। अगर उनको बीकॉम के बाद यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इंडस्ट्रियल हाउसेस में, पर वो कुछ एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, उनके लिए और भी माध्यम है इनकम अर्न करने के लिए, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चले जाएं या फाइनेंशियल एनालिसिस करें। अब वो फाइनेंशियल एनालिसिस वो ये सोचेंगे कि कॉमर्स के स्टूडेंट फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। बच्चों आज, क्योंकि मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा कि हर चीज का बैकग्राउंड कॉमर्स है, तो कोई भी एक्टिविटी ले लो तो उसमें कॉमर्स इन्वॉल्व है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आप अपने घर का माहौल देखें। एक आदमी से फादर कमा के लाते हैं, घर का खर्चा चलाने के लिए आपके मदर को पैसे देते हैं, ये हमारा हाउस होल्ड बजट है, उस बजट में वो हाउस होल्ड चलाती हैं, तो क्या ये कॉमर्स एक्टिविटी नहीं हो गई? इट इज, हमारी हर एक्टिविटी में कॉमर्स है। और आप एक चीज का ध्यान रखें, फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड एनालिसिस, ये कॉमर्स के लोग इसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि तो किसी भी बड़े इंडस्ट्री हाउस में या अपना कह रहे हैं बिग फोर बिग फाइव, इसमें सैप ईआरपी की बहुत डिमांड है। और सैप ईआरपी क्या है, एंड में आके जो जो कल जो भी एक्टिविटी करेंगे वो एक अकाउंटिंग एंट्री में तब्दील होगी, और उसमें फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। तो ईआरपी सैप में भी कॉमर्स के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और कर सकते हैं। अगर बीकॉम करने के बाद आपके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, जैसे कि आप लॉ कर सकते हैं 3 ईयर कोर्स, वैसे 12th के बाद भी आप इंटीग्रेटेड लॉ कर सकते हैं, 5 ईयर कोर्स है, और अगर बीकॉम के बाद करेंगे तो 3 ईयर का कोर्स है, तो इसका मतलब आप अगर 12th के बाद ज्वाइन करेंगे इंटीग्रेटेड लॉ तो आपका 1 साल सेव होता है। इसके अलावा आप एमबीए कर सकते हैं, और जो प्रोफेशन बड़ा ही डिमांड में हमेशा से रहा है और रहेगा वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आप 12th के बाद भी जा सकते हैं फाउंडेशन का रूप लेके, या आप बीकॉम करने के बाद भी जा सकते हैं। सीए प्रोफेशन बच्चों आज की तारीख में बहुत ही डिमांड डिमांड में है ये, क्योंकि हर एक्टिविटी की अगेन वही बात है कि इसके पीछे कॉमर्स है। इतनी डिमांड कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मुश्किल से उसको 1 या 2 महीने लगते हैं अपनी जॉब ढूंढने के लिए। अनपसंद की जॉब मिलने में तो लग जाते हैं 1 साल 2 साल, क्योंकि आप बिल्कुल अभी शुरुआत में हैं, आपके पास चॉइसेस कम होती हैं, तो पर आपको जॉब श्योर है। तो सीए के बाद आप फिर आगे स्पेशलाइज कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग, क्योंकि जहां भी पैसा इन्वॉल्व है वहां पर फ्रॉड व्हाइट कॉलर क्राइम्स आम है। हमने देखे बहुत सारे हैं केसेस, विजय माल्या, चोकसी, मोदी, ये सारे केसेस हमारे पास हमारे लाइमलाइट में हैं। तो इसके पीछे इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी कॉमर्स के ही आदमी हैं कि पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, सारी ट्रेल। इसमें इंटरेस्ट ना बने तो उनके पास फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का कोर्स है। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का कोर्स बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग क्या है? फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, जब भी कोई इंडस्ट्री सिक हो रही है, बीमार हो रही है कोई इंडस्ट्री, तो उसको पहले से ही आइडेंटिफाई करना और उसके जितने भी मेजर्स हैं उसको रिवाइव करने के, उसको हेल्दी रखने के लिए, ये सारा इन्वॉल्व होता है इसमें फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में। और इसके अलावा आपके पास इतने सारे फील्ड्स हैं, आप इनकम टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्स के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप कंपनी लॉ के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि लॉ इतना कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है कि हर चीज में स्पेशलिस्ट चाहिए। और यहाँ ये जो मैंने अभी नाम लिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और आपका कंपनी एक्ट लॉ, इसमें सारे कॉमर्स प्रोफेशनल ही चाहिए। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की देश में इस समय कमी है, तो इसलिए जो इवन बीकॉम जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने आपको बहुत सारे बताए, और जो लोग जॉब में नहीं जाना चाहते उनके लिए भी बहुत काम है। जीएसटी के स्पेशलिस्ट, गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट जीएसटी रिटर्न भरने वाले बनाए हैं, एक वो डायरेक्ट टैक्स की रिटर्न भरने के लिए भी आप शेयर ट्रेडिंग में जा सकते हैं, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग एक शेयर्स जो मार्केट है वो कंट्री की हेल्थ बताती है। यस और हमारी हमारे शेयर मार्केट इस समय करंटली 3-4 दिन से नीचे है, वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की वजह से। तो ये पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो मेरा ये कहना होगा, इसको मैं वाइंड अप करूं, तो हमारे पास कॉमर्स फील्ड में इतनी सारे एरियाज हैं, इतने सारे एरियाज हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। पर हमेशा फोकस स्टूडेंट्स यही होना चाहिए कि हमें टॉप पर पहुंचना है। तो सर, एक बात और पूछ लेती मुझे सर कि अभी कोरोना के दौर में हमने देखा था कि लोगों की इकोनॉमी कंडीशन काफी डाउन हो गई थी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो वीकर सेक्शन से आते हैं। तो सर, जो फाइनेंशियली जो बच्चे वीक है, तो सर उनके लिए भी कॉमर्स में क्या-क्या स्कोप है सर? सर, जो फाइनेंशियली वीक हैं उनकी मैं बात करूं तो 12th पास करने के बाद वो किसी भी सीए फॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर सीए फॉर्म में देखो हर ऑफिस में लेयर्स होती हैं, टॉप से चले और बॉटम पे आ जाती है लेयर। तो जो रूटीन के काम है जैसे कि जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना, कंपनी लॉ रिटर्न्स फाइल करना, इस सारे एरिया में बहुत सारी सीए फॉर्म्स अनक्वालिफाइड मतलब जो भी सीए नहीं बने हैं उनको रखते हैं, ताकि उनको ट्रेनिंग भी दें और उनको ग्रो करके अब काफी आगे तक ले जाए। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल अनिल जी अपनी खुद की फर्म का दूंगा। हमारे पास एक लड़का है, सुजीत नाम है उसका। जब उसने ज्वाइन किया था हमें आज से 6 साल पहले, तो उसकी तनख्वाह थी बिल्कुल रॉ था, उसकी तनख्वाह थी 5,000 रुपये महीना। अब वो इतने पीरियड में इतना अच्छा बन गया, इतना ड्यूटी मतलब उसकी वो अपने ड्यूटी को बहुत सीरियसली लेता है, काम बिल्कुल अच्छा करता है। आज उसकी तनख्वाह 40,000 रुपया है पर मंथ। वेरी गुड सर। तो ये हमारा कंसिस्टेंट एफर्ट होगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ेगा। सर, आप एक बार बताइएगा सर, अभी 10th क्लास का जैसे रिजल्ट आने वाला है, तो जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट है, तो सर क्या उनको भी कॉमर्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए सर? बिल्कुल लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले अनिल जी हम टीचर्स को बच्चों को ये बताना है कि इस दुनिया में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल दोनों वर्ड उनकी डिक्शनरी से बाहर हो जाने चाहिए। और यस बच्चा बच्चा जो है अभी 10वीं पास करके आ रहा है, तो उसको कॉमर्स, चाहे वो 10वीं में औसत है, एवरेज स्टूडेंट है, यस सर पर उसका मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति में जो ब्रेन है वो इक्वल है, और वो सिर्फ उसको डायरेक्शन चाहिए। मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है, एक बच्चा जो 10वीं का पेपर जब उसने दिया या 12वीं का भी दिया, तो बहुत ही एवरेज था, एवरेज से भी कम था। पर कॉलेज में जाने के बाद उसके दिमाग में एक दिन आया, मुझे सीए करनी है। आप अनिल जी बिलीव नहीं करेंगे, उसने सीए इंटर, फाउंडेशन इंटर दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए, और फाइनल में उसने 2 अटेम्प्ट लिए। तो जो एवरेज स्टूडेंट है वो हमें एवरेज अभी है, जब उसका फोकस दिमाग जब उसका फोकस आएगा ना किसी भी चीज के ऊपर, इंटरेस्ट डेवलप हो देखिए वो जाएगा उसका। कितना यस एक्सेल इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। सर और मेरा और ये भी मानना है कि स्टूडेंट को किसी को भी वो काम करना चाहिए जो उसे पसंद है। यस जो सर काम अगर जो उसे पसंद है
तो नेचुरली उसके अंदर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा सर, एक बात बताइएगा कि सर जो बच्चे अभी 10वीं पढ़ रहे हैं, तो सर उनको उनमें ऐसी कौन सी स्किल उनमें नजर आनी चाहिए कि जिससे ये लगे कि वो बच्चा कॉमर्स के लिए बहुत ही फिट है, बच्चे को खुद को भी महसूस हो और उसके पेरेंट्स को भी चीज महसूस हो और उसके टीचर्स को भी महसूस हो कि ये बच्चा वाकई में कॉमर्स के लिए फिट है, ऐसी कौन सी स्किल है बच्चे होनी चाहिए सर बच्चे में? देखो जी, एक तो सबसे पहले उसमें स्किल होनी चाहिए एप्लीकेशन ऑफ माइंड, किसी भी सिचुएशन के ऊपर अपना माइंड अप्लाई करे। और ये वैसे बहुत इम्पोर्टेंट बन गया है क्योंकि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें 65 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो जहां एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, मतलब फटाफट कर लो, कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। मैं स्टूडेंट को टेस्ट करता हूँ कभी भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक स्टूडेंट को ना पुराने बिजली के बिल दे दिए। अच्छा। और उसको कहा इसको संभाल के रखो सीक्वेंसली, तो इसको मुझे जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा। तो 6 महीने के बाद मैंने उससे मांगे वो कि वही वो बिजली के बिल दिए थे, वो इमीडिएटली वो स्टूडेंट निकाल के लेके आया और सारे सीक्वेंस वाइज लगे हुए थे। अच्छा। क्योंकि कॉमर्स और स्पेशली अकाउंटेंसी एक बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। तो मैंने कहा इस बच्चे में कॉमर्स में जाने का पूरा स्किल है, दैट मीन वो ऑर्गेनाइजेशन उसने अपने आप को इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जो कॉमर्स की फील्ड के लिए एक एसेंशियल है, एवरी डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट है उसको संभाला जाए और टाइम से निकाला जाए, क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम की जो वैल्यू है मतलब वो हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो अगर हम उसको डिसऑर्गेनाइज मैनर में सब रखा होगा तो उसको निकालने में टाइम लगेगा, इसका मतलब उसने टाइम वेस्ट किया, दैट मींस मनी हैज बीन स्पेंट। तो ये सब स्किल्स हैं जो एक बच्चे में होनी चाहिए और सब बच्चों में है। यस सर, बिल्कुल। अगर हम उनको वैसे भी देखें ना कुछ काम करते हुए, हम उनको इंडिपेंडेंट, अनिल जी बच्चों को प्रोजेक्ट दे दें कि आपने ये कमरा है इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर दो, यस सर, और उनको छोड़ दें, तो आप देखेंगे उनकी स्किल्स कितनी बढ़िया हैं। यस सर। तो सर मतलब कोई बच्चा जो अपने घर पे अपने घर के कामों को अच्छे से मैनेज कर सकता है, स्कूल में मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, स्कूल की एक्टिविटीज को अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो वो तमाम बच्चे जो इस तरह की मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं वो तमाम बच्चे मतलब कॉमर्स के लिए एलिजिबल है? सर बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। सर एक बात और पूछनी थी, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है बहुत ही रेपुटेड कोर्स है, लेकिन सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो बच्चा 12th कॉमर्स में एक एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट, तो सर क्या उसको भी सीए का कोर्स करना चाहिए या सिर्फ जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनको ही करना चाहिए सर? नहीं, ये ऐसा कोर्स है जो अगर मैं कहूं इट इज नॉट अ टफ कोर्स बट इट इज मेड फॉर टफ पीपल। यस सर। मुश्किल नहीं है पर जो मजबूत लोग हैं उनके लिए बना है। यस सर। जब सीए में जब बिना अपने कुर्सी से हिले 18-18 घंटे काम करना पड़ता है लगातार, तो उसको टफनेस, जो आदमी मजबूत होगा वो कर पाएगा, और डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। यस सर। और इसमें अब आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाली हैं। यस सर। जो ट्रेनिंग पीरियड्स कम करे जा रहे हैं, एग्जामिनेशन का ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट को उतनी छुट्टियां तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि अब वो ट्रेनिंग पीरियड 3 साल से कम करके 2 साल का कर रहे हैं और फाइनल जो है स्टूडेंट देगा 6 महीने बाद। अच्छा। जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा। तो उसको 6 महीने का एक्सक्लूसिव टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, पास करने के लिए, और 2 साल का पीरियड मिला उसको ट्रेनिंग के लिए। अब ट्रेनिंग जो है, मैं कहता हूँ चलो एक हम सिचुएशन को देखें कि एक बच्चा सीए नहीं बन पाया किसी भी वजह से, पर उसने जो 2-3 साल ट्रेनिंग करी है एक सीए फर्म में, उसके इतने स्किल डेवलप हो जाते हैं, इतने ज्यादा स्किल डेवलप हो जाते हैं कि वो मार्केट में अपने आप ही उसको जॉब मिलती है, क्योंकि जो ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग भी कैसे, हर चीज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग,
यस सर, और एक एक ही दिशा में नहीं, मल्टी डायमेंशनल, मतलब एक ही समय पर तीन तीन चार चार दिशाओं में काम करना, ये स्किल जो है सीए की ट्रेनिंग देती है। यस सर। तो सर अभी मेरा ये सर अभी जो सीए का जो टाइम ड्यूरेशन है सर, अभी वो कितना साल का है सर? ऐसा है कि अभी तो स्टूडेंट ट्वेल्थ का अपेयर होने के बाद एग्जाम दे सकता है फाउंडेशन का, उसके बाद उसको आईपीसीसी का एक ग्रुप क्लियर करना पड़ता है जो कि वो एक साल के बाद दे सकता है ज्वाइन करने के, उसके बाद वो मतलब ट्रेनिंग शुरू कर सकता है। तो बेहतर ये है कि बीकॉम पूरी कर लो और उसके बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करो। अब दो साल का कॉलेज का काम और उसके बाद एक साल एक्स्ट्रा लगा के फिर वो सीए शुरू कर सकता है। पर अब ये ट्रेनिंग पे ये सारा सिस्टम चेंज हो रहा है और ये बड़ी जल्दी चेंज हो जाएगा, अपने आप देखेंगे नेक्स्ट सिक्स मंथ्स के अंदर ये चेंज हो जाएगा। अब ट्वेल्थ पास करने के बाद वो फाउंडेशन में बैठ पाएगा। अच्छा, दैट मींस रिजल्ट आने उसके बाद बैठेगा, आईपीसीसी क्लियर करेगा, फिर उसकी आईपीसीसी के दोनों ग्रुप। अच्छा, और उसके बाद वो ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा जो दो साल की हो जाएगी, अभी तीन साल की है। यस सर, एक साल ड्यूरेशन कम हो जाएगी। हाँ जी, और उसके ट्रेनिंग खत्म होने के 6 महीने बाद वो फाइनल एग्जाम दे सकता है। अच्छा, और बढ़िया जो हो रहा है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट को देखते हुए, सपोज कुछ कहते हैं, कोई स्टूडेंट कहता है मुझे डायरेक्ट टैक्स का एक्सपर्ट बनना है, दूसरा कहता है मुझे मर्जर एक्विजिशन का एक्सपर्ट बनना है, तो वो अपने सब्जेक्ट्स फाइनल में इसी तरीके से चूज कर सकेगा। अच्छा, और बहुत सारी काम अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे, दैट मींस स्टूडेंट की जो कंप्यूटर स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगी। तो बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं और ये अब हर दूसरे साल आप देखेंगे कि सीए कोर्स में चेंजेस आ गई। सर, सीए के जो बच्चे जो होते हैं सर, उनका कैंपस रिक्रूटमेंट भी हम देखते हैं, और मतलब सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जो ये जो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है ना सर, तो उसमें बच्चों को एवरेज पैकेज सर इस टाइम क्या मिल रहा होगा सर? देखिए जी, अब एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया एवरेज। अच्छा, पर कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ब्राइट स्टूडेंट्स, उनको 30-30 लाख भी मिला है, 40-40 लाख भी मिला है। अच्छा, पर एवरेज रिक्रूटमेंट जो पैकेज है वो 10 से 12 लाख, मतलब एवरेज, मतलब इतना तो मिल ही जाता है लगभग, मतलब जो ऑब्जर्व आप कर रहे हैं सर। और अगर कैंपस प्लेसमेंट ना भी हो, अगर कोई सीए फर्म को ज्वाइन करना चाहता है, अच्छा, तब भी उसका एक मिड साइज फर्म भी उसको 6 लाख रुपए का पैकेज दे देती है। अच्छा, और फिर अपनी स्किल के ऊपर है वो कैसे परफॉर्म करता है, मेहनत करेगा, पॉसिबिलिटीज कैसे लेता है। हाँ जी सर, एक बात और पूछनी थी, जैसे आईसीए का कोर्स करवाती है तो सर सीए के अलावा और भी कुछ कोर्सेज है क्या जो आईसीए कंडक्ट करवाती हो, जिनमें बच्चा अपना करियर बना सकता है? ऐसा है कि ट्रेनिंग के दौरान तो नहीं, ट्रेनिंग जो है वो कहते हैं कि 2 साल या अभी 3 साल है, वो उस समय ट्रेनिंग के पीरियड के समय आप बिल्कुल भी कोई और कोर्स नहीं करेंगे। पर अगर कोई इवनिंग क्लासेस हैं सपोज, तो इवनिंग क्लासेस वो कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से परमिशन लेके फिर वो इवनिंग क्लासेस कर सकते हैं। वो ये देखते हैं कि जो ऑफिस में काम करने का टाइम है सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, वो उसके दो उस दौरान में वो कोई और कोर्स नहीं करेगा और या और कोई काम नहीं करेगा, वो नेट नहीं कर सके, तो ये पॉसिबल है। हाँ, इवनिंग क्लासेस के थ्रू पॉसिबल है। और इंस्टीट्यूट ने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के साथ वैसे भी टाई अप किया हुआ है कि उनके जो वहां पर, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस बेस्ड है बीकॉम, तो ट्रेनिंग के दौरान वो कोर्स कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस वाले कोर्सेज कर सकते हैं, कोर्स कर सकता है, कोई किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकता है,
किसी से भी और रेगुलर कोर्सेज नहीं कर सकता। सर एक बात और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो क्या सर उनको सीए के कोर्स के साथ कोई अन्य कोर्स भी करना चाहिए जिससे उनकी प्रोफाइल जो है वो बहुत ही मतलब अच्छी और मजबूत दिखे? देखो जी, मेरा ये मानना है कि पूरी लाइफ में हर आदमी स्टूडेंट रहता है। यस सर। और ये एटीट्यूड किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। यस सर। अब कॉमर्स में, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर इतनी जबरदस्त, इतनी ज्यादा चेंजेस आ रही हैं और इतनी फास्ट पेस्ड चेंजेस हैं कि अब हम अकेले सीए को लेके हम कहें कि हम टॉप पर पहुंच जाएं, नहीं। हमें साथ में कोई ना कोई और एक एडिशनल डिग्री लेके, जो पहले हम स्पेशलाइज्ड डिग्री है वो लेके काम करें। और आपने हरीश सालवे जी का नाम सुना होगा? यस सर, हरीश सालवे जी वो एक बहुत ही सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो हाँ जी हाँ जी, वो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बाद में उन्होंने लॉ करी, अब वो लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। तो हम सभी को मालूम है कि कितने सक्सेसफुल लॉयर हैं। यस सर। और ये सक्सेस जो है ना, जो मेरा मानना है, जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, सीए की ट्रेनिंग के दौरान जो स्किल्स डेवलप हुई उसकी वजह, वो उसका एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि एक सीए जो ट्रेनिंग कर चुका है वो किसी भी प्रॉब्लम के बेसिक्स में कुछ ही समय में पहुंच जाएगा, जो कि दूसरा आदमी सपोज 2 घंटे लेता है तो वो 30 मिनट में उसके बेसिक पे पहुंच जाएगा। और यही वजह है, टाइम बचा, ज्यादा एनालिटिक हुए और सक्सेस हुई। यस सर। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे जो सीए के साथ साथ और डिग्रीज ली हुई हैं, लॉ की डिग्री ली हुई है, एमबीए करा हुआ है, yes, और बॉक्स करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग का कोर्स किया हुआ है। अब फॉरेंसिक अकाउंटिंग में आज की तारीख में इंडिया में शॉर्टेज है इसके प्रोफेशनल्स की, इतना ज्यादा काम है फॉरेंसिक अकाउंटिंग में। सर एक बात और बच्चे जानना चाहते हैं कि कई बार कुछ कारणों से ऐसा हो जाता है कि कई कुछ बच्चे सीए की डिग्री पूरी नहीं कर पाते, जैसे मान लो सीए फाइनल में एक दो बच्चे कुछ अटक गए किन्हीं कारणों से, तो सर उन बच्चों के लिए सर क्या क्या स्कोप है? ऐसा है, अब जो नया प्रोविजन आ रहा है उसमें अगर कोई बच्चा सीए नहीं बन पाया किसी वजह से तो उसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक डिग्री और देगी सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स की। अच्छा। That means certified accountant की डिग्री एक आ गई उसके पास, उसके बेसिस के ऊपर वो जॉब कर सकता है। पर देखिए, एक ये जॉब लेने में हेल्पफुल हो जाएगा ये काम, पर अगर आगे आपने बढ़ना है अपने काम में तो उसको अपनी स्किल डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा ऑन रेगुलर बेसिस। चाहे ये सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के लिए नहीं है, ये किसी भी स्ट्रीम में चले जाएं, चाहे वो साइंस की स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग है, बायोलॉजी है, कोई भी स्ट्रीम हो, पर उनको कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। ये आज के युग की एक डिमांड है। तो कॉमर्स भी उसी तरह, कॉमर्स में भी अपने आप को रेगुलर अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे सीए में मैं आपको कहूं, बताऊं कि सीए करने के बाद भी हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को हर साल 25 सीपी आवर्स लेने पड़ते हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, अब वो शायद 50 पर आ गए हैं। वो 50 सीपी आवर्स लेने के लिए, मतलब कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन आवर्स, उस आवर्स को लेने के लिए उसको कम से कम 200 घंटे के कोर्स करने पड़ेंगे, तब जाके उसको 50 घंटे का क्रेडिट मिलेगा। अच्छा। तो इवन सीए बनने के बाद भी हमें पढ़ाई रेगुलर रखनी पड़ती है। अगर हम मेडिसिन का प्रोफेशन ले लेंगे, डॉक्टर्स का, तो अगर डॉक्टर्स बनने डिग्री लेने के बाद वो अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, क्योंकि साइंस मेडिसिन में भी कितनी जबरदस्त चेंजेस आ रही हैं, अगर वो अपग्रेड नहीं करेगा तो उसके पास पेशेंट्स जाना बंद कर देंगे। तो कंटिन्यूस एजुकेशन जो है वो एक पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, चाहे हम कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, चाहे साइंस स्ट्रीम के हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम के, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बात और मैं लगातार कुछ सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सर कॉमर्स सब्जेक्ट जो है उसमें स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो लगातार सर डाउन आ रहा है। तो सर इस क्रेज को, बच्चों में क्रेज कॉमर्स का बढ़ाने के लिए सर आप जो हमारे टीचर्स है, कॉमर्स के टीचर्स है, जो पेरेंट्स है और बच्चे हैं सर, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.3% है जो वर्ल्ड बैंक ने कहा। मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हम इसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। उन्होंने कहा 2024 तक शायद वो टारगेट ना अचीव हो पाए, पर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो कि 5 ट्रिलियन का मतलब है कि हम वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में आ जाएंगे। और जब हम इतना ग्रोथ होगा, ये सिर्फ साइंस के बेस पर नहीं होगा, ग्रोथ ग्रोथ होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉमर्स। इंडस्ट्री लगेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और उसके पीछे कॉमर्स का हाथ रहेगा। आज कोई भी आप 5 लाख का भी बिजनेस कर लें, छोटा सा, उसके पीछे भी कॉमर्स है। जब तक आपके पास पोटेंशियल नहीं होगा, कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। आप दिखाएंगे कि यस, ये मेरा प्रोजेक्ट है, वो शार्क टैंक आता है ना टेलीविजन के ऊपर, वो नई नई चीजें हैं, वो क्या बिजनेस। ये सब चीजें इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगी। और सबके पीछे कॉमर्स है, और कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जो हमेशा ग्रीन रहेगी, कभी इसका मतलब डिक्लाइन नहीं आएगा। टेम्परेरी आ गया आ गया, पर इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं कि राइट पर्सन नहीं मिलता किसी जॉब के लिए इस टाइम में। तो मेरा संदेश सबको ये होगा कि कॉमर्स स्ट्रीम एक बहुत अच्छी स्ट्रीम है, इसमें ग्रोथ के चांसेस पोटेंशियल बहुत ज्यादा हैं, और इसको हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ ही नहीं सकती। और इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारे कॉमर्स वाले लोगों को सबसे पहले जॉब्स आएंगी, सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और ये मैं कहता हूँ, वर्स्ट सिनारियो क्या है, इंडस्ट्री बंद हो गई, उस समय भी इंडस्ट्री बंद होने का मतलब बिजनेस बंद हो गया, पर हमारे कॉमर्स के जो लोग हैं वो फिर भी रहेंगे उसमें, क्योंकि बाइंडिंग अप प्रोसेस भी है उन सर, सबको करने के लिए। वो जो आज वर्ल्ड में अगर आप देखें, एक्विजिशन और मर्जर हो रहे हैं। आपने देखा होगा इस कंपनी में, जैसे आजकल बड़ा जोर चला था, रिलायंस ने खरीद लिया फ्यूचर रिटेल, अमेजोन ने प्रॉब्लम कर ली। तो ये एक्विजिशन मर्जर्स का जो काम है, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना बढ़ रहा है। फॉरेन कोलैबोरेशंस, अब आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रेडिएटर्स लगते हैं, ट्रैक्टर्स में लगते हैं, और रेडिएटर साइलेंसर्स, तो साइलेंसर्स के लिए भी इवन फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, कोलैबोरेशन दे रही हैं। तो क्योंकि क्यों दे रही हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, इस वजह से को फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं। और मैं तो ये कहूंगा, सबको यही मैसेज दूंगा कि कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है, मन लगा के काम करें और हमेशा लाइफ में टॉप पर पहुंचने के लिए मेहनत करते रहें। थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने अभी आपको बताया कि जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, उस हिसाब से देखते हुए आने वाले समय में कॉमर्स के बच्चों की बहुत ही डिमांड आगे बढ़ेगी, और इसमें कहीं कोई किसी भी तरह की कोई कमी आने के भी कोई चांसेस नहीं है। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। और जितने भी बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स इस मीटिंग को सुन रहे हैं, इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग का जो लिंक है, यूट्यूब लिंक जो है, वो अपने बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी कॉमर्स में जो स्कोप है उसके बारे में जानकारी हो, और वो बच्चे और जो भी बच्चे इस कॉमर्स को लेना चाहें वो खुशी खुशी ले सकते हैं। और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंट्स भी जो इस मीटिंग को सुन रहे हैं, वो भी कॉमर्स में जो जितने भी तरह के कैरियर्स है, तो वो हमारे जो यूट्यूब चैनल है कॉमर्स अवेयरनेस, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल के माध्यम से आपको कॉमर्स में जो अलग अलग फील्ड्स अवेलेबल है उसकी आपको जानकारी लगातार मिलती रहेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया अनिल जी।